शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी दिल्ली के प्रपोजल पर ही उत्तर प्रदेश में काम करेगी। हाफ टैक्स, बाटा टैक्स फ्री, महिलाओं को नगर निगम की बसों में किराया फ्री, बहुत से वायदे किया। आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप सुनते आए होंगे बहुत समय से। गारंटी तो हम ले रहे हैं, यदि हमारे मेयर प्रत्याशी आपको कोई गारंटी दे रहे हैं तो ये मान लीजिए केजरीवाल जी की गारंटी है, और वो गारंटी है जिसने दिल्ली की जनता। देखिए गारंटी, देखिए हम सभी लोग, मैं और आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पैदा हुए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम स्वयं नहीं कर सकते, ये तो भाग से मिली हुई चीज़ है, और हम सबका एक दायित्व है कि इस नगरी को उन्नत से उन्नत बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं, सुविधाओं को अच्छा बनाएं, इसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। जो भी श्रद्धालु मथुरा में आए वो कह के जाए कि हाँ वास्तव में ये भगवान की ही नगरी है, और अनुभव में भी ये भगवान की ही नगरी लग रही है। ये सारी जो बातें हैं ये चुनावी बातें नहीं हैं, ये वो बातें एक नागरिक के तौर पे जो मैं चाहता था, सामान्य नागरिक के तौर पे मैं जो चाहता था वो अगर मुझे जनता मेयर का पद देगी तो मेयर के रूप में मैं इसको करके दिखाऊंगा। राधा जी एक चीज़ बताइए कि विभिन्न पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं प्रत्याशी तो उसमें बड़े बड़े वायदे करती हैं, आपने भी गारंटी कार्ड का वायदा किया है, तो जमीनी स्तर में देखा जाता है कि जब जमीन स्तर में काम करने लगती है पार्टियाँ जो है तो वो चीज़ जमीन स्तर पर पूरी तरीके से हमें दिखती नहीं है, तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए दो चीज़ हैं, पहला तो बात है जो निजी जीवन से आदमी को देखा जा सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका अतीत होता है वही आपका भविष्य होता है। अगर मैं पहले कह चुका हूँ, अगर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ वही मैं आगे करूँगा। एक कहावत है कि जो आप दे वही सकते हैं जो आपके पास होता है, तो वो तो मेरे आप जीवन से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, सिर्फ मैं बयान दे रहा हूँ या ये मेरा वादा है। दूसरी बात, दुर्भाग्य से जो भी अभी तक यहाँ चेयरमैन या मेयर बने हैं उनके लिए वो राजनीति का अंत साबित हुआ है। मैंने पहले भी कहा है और ये मजाक नहीं है, दृढ़ निश्चय है कि अगले 25 साल मैं मथुरा की राजनीति में रहने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेयर का तो अगर लोग चुनते हैं ये पहला पद होगा, मैं चाहता हूँ कि अन्य अन्य कई अवसरों पर मथुरा के लोग मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, और मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, मथुरा को गौरव प्रदान करूंगा। लक्ष्य मेरे इतने उच्च हैं तो ये मेयर का पद बहुत छोटा पद है, और अगर मैं इसे अच्छे से करके नहीं दिखाता हूं तो जाहिर सी बात है लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये मेरे लिए भी चुनौती होगा कि इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं और लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊं। एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में आप कैंपेनिंग कर रहे हो, तो कितना मतलब रेस्पॉन्स मिला आपको? देखिए रेस्पॉन्स इतना शानदार है, मैं पार्टी के लिए हमेशा मीटिंगों में कहता था 30-35% जो वोटर है, नागरिक है, वो आज भी आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है, वो सिर्फ हमारी सक्रियता का इंतजार कर रहा है, और अगर हमने भी सक्रियता दिखा दी तो हमसे जुड़ जाएगा। सौभाग्य से मेरे चाहने वालों ने, मेरे को जानने वालों ने 15-20% का वोट का कुशन उन्हें दे दिया है। मेरा पूरा यकीन है जब 11 तारीख को आप देखेंगे, परिणाम देखेंगे, तो मुझे 50% से अधिक मत मिलने जा रहे हैं। आज मेयर पद के प्रत्याशी हैं, गारंटी कार्ड का उद्घाटन आपने आज किया है, तो कितना विश्वास रखते हैं इस पर? देखिए जितना विश्वास हम लोग केजरीवाल जी पर रखते हैं उतना ही विश्वास हम उनके सिपाही पर रखते हैं। प्रवीण भारद्वाज जी केजरीवाल जी के सिपाही हैं, प्रवीण भारद्वाज जी संजय जी के एक छात्र के रूप में उन्होंने उनको बढ़ाया है आगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना विश्वास आप उन पर करते हैं उतना हम प्रवीण भारद्वाज जी पर करते हैं। आज अगर वो 11 गारंटी आपके सामने लेकर आए हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये 11 गारंटी तो पूरी करेंगे ही करेंगे, इसके साथ वो और भी बहुत कुछ मथुरा की जनता को, वृंदावन की जनता को देंगे, चूँकि उनका भावनात्मक लगाव है इस शहर से। आपने देखा है ऐसा प्रत्याशी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जो भावुक होता है, और जो भावुक होगा वही जनता से जुड़ पाएगा, वही उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ को समझ पाएगा। तो विश्वास की तो पूरी तरह से गारंटी है कि आपके जनता के हर आशाओं पर ही खरे उतरे। आप अपने प्रत्याशी को मथुरा जनपद में कितना पावरफुल शक्तिशाली मानते हैं? पावरफुल होता है जो
जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता दिखाई देने लगे, जिससे जनता जुड़ने लगे, जिससे जनता की भावनाएं जुड़ने लगे। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में पहले कहा कि भारद्वाज जी के साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये ऑलरेडी जनता से जुड़े हुए हैं और इनकी जो छवि है एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जनता के बीच में है, अपने व्यवसाय की वजह से है। आज ये बहुत तेज़ी से, अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो जनता बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी को भी स्वीकार कर रही है, प्रवीण भारद्वाज जी को भी स्वीकार कर रही है, और अभी 4-5 दिन में ही हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद, स्नेह और भरोसा, और इनका जो जनता के साथ लगाव है, इस मथुरा की भूमि से जो इनका लगाव है, वो निश्चित रूप से इस बार चुनाव के परिणामों में दिखाई देगा। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़कर सिर्फ यही अपील करूंगी कि आप लोग लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, आपने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया, कभी हो सकता है कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, तमाम दलों को आपने मौका दिया। इस बार आप अरविंद जी की पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि अरविंद जी ने आपके शहर से एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है, एक ऐसे अवसर दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आपसे बात करते में इंसान भावुक होता है, यहाँ की समस्याओं को लेके, यहाँ के लोगों के जीवन को लेके, उस व्यक्ति को एक मौका दीजिए, एक ईमानदार व्यक्ति हैं उनको मौका दीजिए, 5 साल आपकी सेवा करेंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक बयान होता है कि यदि हम 5 साल में आपकी चीज़ों पर खरा नहीं उतरे तो हम आपसे दोबारा वोट मांगने का निवेदन करने नहीं आएंगे। यानी हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि यदि हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं, यदि आपने इनको जिम्मेदारी दी यहाँ की जनता ने, तो 100% बात यह है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अगली बार जब आपको अगर ऐसा स्थितियां बनती है तो आप स्वतः इनको वोट देंगे और इनको ये जिम्मेदारी देंगे। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। एडुकेशन 100%, मोटिवेशन 100%, कितना भी करे क्यों है 70? कल करे। कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, यानी ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी खाने के साथ सुप्रीडिन। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन, ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।